दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी अभी भारत में आम चुनाव खत्म हुए और उसके बाद नतीजे आए। जो नतीजे आए उसमें थोड़ी खुशी की बात थी और थोड़ी एक प्रकार से निराशा भी थी। जो अच्छी बात थी वो ये कि इंडिया कोएलिशन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी, जिसके पहले 53 MP थे, अभी वो बढ़कर 99 MP हो गए। और जो NDA का दावा था मोदी के साथ के बाकी पार्टियों का कि वो इस बार 400 पार कर लेंगे, खुद होकर BJP 272 पार कर लेगी, 372 पार कर लेगी, वो पूरा धराशायी हो गया। और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए उन्होंने भी बता दिया कि एग्जिट पोल कैसे एक प्रकार से उनमें कोई अर्थ नहीं है और शायद वो किसी के इशारे पे किए जाते हैं और किसी के फायदे के लिए किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वही नतीजा दिया जो BJP खुद उसके बारे में दावा करती रही। अब सवाल यह है कि अब अच्छी बात यह है कि BJP खुद होकर सरकार नहीं बना सकती, उसको NDA के पार्टनर्स को महत्व देना पड़ेगा, उसके बगैर उनकी पार्टी, उनकी सत्ता चल नहीं सकती। तो इसके लिए खास तौर से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दो जो दूसरे नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उनको साथ में लेना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी अभी तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं। इस बार भी जब सत्ता में आए तो उन्होंने आने के पहले एक उल्लंघन किया है नियम का। नियम ये है कि पहले BJP ने उनको नेता चुनना चाहिए था, फिर NDA ने चुनना चाहिए। BJP की तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई नहीं, उसके बावजूद NDA के नेता उन्होंने खुद को चुनवा दिया। अब सवाल ये है कि क्या उनकी पॉलिसीज, नीतियाँ वही रहेंगी जो पहले थी? लेकिन उनकी नीतियों में बहुत सारी चीज़ों के अलावा मैं केवल एक बात पर फोकस करूँगा, और ये बात है कि अल्पसंख्यकों के बारे में उनका नज़रिया कैसा रहेगा। पिछले 10 साल में हमने जो देखा, लव जिहाद के नाम पे, काउ बीफ के नाम पे बहुत भयंकर हमले हुए, और उसमें जो आक्रमण करने वाले थे, अपराध करने वाले थे, उन्हें पता था उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि सरकार उनकी है, तो इसलिए वो बिना खौफ के, बिना डर के कानून को अपने हाथ में लेकर मुसलमानों को एक प्रकार से प्रताड़ित करते रहे। और ये प्रताड़ना काफ़ी भयंकर स्तर पर थी क्योंकि लिंचिंग में करीब 100 लोग मारे गए और लव जिहाद के नाम पर भी बहुत सारे मुसलमान नौजवानों को परेशान किया। इसके साथ बाकी पॉलिसीज की मैं बात नहीं कर रहा, कैसे उन्होंने अम्बानी अडानी को प्रमोट किया, कैसे गरीब ज़्यादा गरीब हो गए, अमीर ज़्यादा अमीर हो गए, कैसे फेडरल स्ट्रक्चर कमज़ोर हो गया। अब ये सब तो स्पष्ट है कि मोदी जो केवल एक डिक्टेटर के रूप में काम कर रहे थे, अभी शायद उन्हें अपने रूप को थोड़ा नम्र करना पड़ेगा और जो पहले वो खुद के खुद कर रहे थे, किसी की सलाह लिए बगैर करते थे, वो अभी शायद नहीं होगा। अब अल्पसंख्यकों का क्या होगा, क्योंकि BJP का जो मुख्य राजनीतिक एजेंडा है वो हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र के दो आधार हैं, एक तरफ मनुस्मृति के मूल्यों का गौरवान्वयन, नए तरीके से मनुस्मृति का नाम न भी लिया तो भी कास्ट जेंडर हायरार्की को मजबूत करना एक तरफ, और दूसरी तरफ से मुसलमान और क्रिश्चियन, खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपना कर उनके खिलाफ जो भी हो सकता है वो करना, ये दो उनके आधार हैं। अब आने वाले समय में ये कैसा रहेगा, क्योंकि अभी तक तो जो मुसलमानों पर अत्याचार करने वाले फुट सोल्जर, ज़मीनी काम करने वाले फ्रिंज ग्रुप जिनको कहते हैं, उन्होंने जो काम किया उसमें उनको एक पूरा प्रकार से संरक्षण था, अब वो संरक्षण शायद नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी संभावना है कि उस प्रकार के जो आए दिन मुसलमानों पर हमले होते थे, उनके मस्जिदों के ऊपर आक्रमण होते थे, शायद वो कुछ समय के लिए थम जाएंगे और उतनी आक्रामकता से नहीं किए जाएंगे। पर दूसरी बात जो है, जो समाज में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई है, वो नफरत क्या कम होगी, इसमें मुझे बहुत एक डाउट है। डाउट इसलिए है, शंका इसलिए है कि नफरत फैलाने का काम BJP के नीतियों ने तो किया ही है, यानी पर BJP के नीतियों के पहले इनका जो पितृ संगठन है
पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, ये नफरत की शुरुआत आरएसएस संगठन के प्रचारों से हुई। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और ये नफरत जो है, अभी जैसे इसके बारे में बताऊं तो सबसे बेहतरीन तो सरदार पटेल जी का एक पत्र है जो उन्होंने गांधी हत्या के बाद लिखा था गोलवलकर को और दूसरे लोगों को, कि आरएसएस ने जिस प्रकार से काम किया उसके कारण समाज में नफरत बहुत बढ़ी और इसी नफरत के कारण हमें अपना राष्ट्रपिता खोना पड़ा। ये सरदार पटेल की बात थी। और इसमें एक प्रकार की लगातार सातत्य कंटिन्यूटी बढ़ोतरी हुई है। और आज जो समाज के धरातल पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत है वो एक तो आती है उनके खिलाफ हिंसा के रूप में जो कभी कभी दिखती है, पर मोटे तौर पर ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत ये समाज में बैठ गई है, लोगों में बैठ गई है। मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, जबरदस्ती से इस्लाम फैलाया, स्त्रियों पे अत्याचार किए, बड़े परिवार होते हैं, आतंकवादी होते हैं। ये चीज़ों का जो प्रसार आरएसएस शाखाओं से शुरू हुआ, आरएसएस स्कूलों में गया, फिर बाद में सोशल मीडिया और खासतौर से अंत में आईटी सेल ने जो किया वो कैसे जाएगा। और मोदी 1914 में उन्होंने दूसरी बात पर चुनाव लड़ा, 2019 में पुलवामा बालाकोट उनके पास था। इस बार ज्यादा से ज्यादा उन्होंने हरे प्रोपोगंडा को मुसलमानों के खिलाफ किया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तो कहा भाई ये तो मुस्लिम लीग की इसमें छाप है। फिर उन्होंने कहा समाज में गैर बराबरी है और समाज के साधनों का पुनर्वितरण होना चाहिए, समाज के साधनों को बराबर किया जाना चाहिए, गरीबी जो बढ़ गई है उसको कम किया जाना चाहिए। तो उसको मोदी जी ने डिस्टॉर्ट करके अपने तरीके से कहा कि भाई जब कांग्रेस सरकार आएगी तो आपकी पूरी संपत्ति छीन लेगी, आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, आपके पास दो भैंसे हैं तो एक भैंस लेके ये मुसलमानों को दे देगी। यहाँ तक कहा कि वो संविधान बदल देंगे ताकि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन कर वो मुसलमानों को दे दे। फिर अंत में उन्होंने उनको घुसपैठिया कहा, घुसपैठिया के साथ ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहा। बाद में उन्होंने उसको डिनाई करने की कोशिश की, पर वीडियो बिल्कुल स्पष्ट था कि ये बात उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करके कही थी। तो इस चौरान के चुनाव के दौरान एक भी मौका नहीं था जिसमें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में कोई कसर रखी। हर मौके को कुछ भी चीज़ हो तो उसको वो टर्न देके, जो आजकल राहुल गांधी एकता की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं, उनके हर एक मुद्दे को बदल कर वो थोड़ा झूठ थोड़ा सच मिलाकर इस प्रकार से बदल रहे थे जिससे वो मुसलमानों को टारगेट कर। और ये चीज़ हर एक चीज़ में मिली। घुसपैठिए जब कहते हैं तो हम अपने नागरिकों का कितना अपमान कह रहे हैं, और ज़्यादा बच्चे होते हैं इसका कोई सबूत नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट अभी गिरकर 2.2 के पास आ गया है, मुसलमानों का भी फर्टिलिटी रेट गिरा है, और मंदिर मस्जिद की जो बातों के आधार पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है उसके अलग कारण है, इस्लाम अलग तरीके से फैला, पर वो सब मिला जुला कर सामाजिक सोच में सामाजिक चेतना में इतना गहरा बैठा दिया गया है कि उसका मुकाबला करना अब आसान नहीं है। मध्यम वर्ग के लोग हों या कोई वर्ग के लोग हों, उनके बीच में ये अब स्वाभाविक हो रहा है। स्कूल के बच्चों तक में ये बात लाई जा रही है कि मुसलमान बच्चों के साथ मत खेलो, अलग रहो। और कई बार मुसलमान बच्चों को जिस प्रकार से स्कूल में रखा जाता है उन्हें इच्छा नहीं होती कि ये जो मिले जुले स्कूल हैं उसमें जाए। और दूसरी बात, ये जो मुसलमानों को एक प्रकार से राजनीतिक तौर से इनविजिबल अदृश्य बना दिया गया है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में अभी इस बार पिछली बार से भी कम हो गया, पिछली बार शायद 29 MP थे अभी 24 हो गए हैं। पर ये एक सातत्य की प्रक्रिया है जिसमें मुसलमान एक तरफ से चुप होते जा रहे हैं, चुप कराया जा रहा है उनके मुंह पर एक ईयर और दिमाग में एक प्रकार का भयंकर डर। अब ये बात निश्चित है कि इस प्रकार के परिणामों के बाद मुसलमानों में एक प्रकार की थोड़ी राहत महसूस होगी कि जितनी नफरत के कारण रोजमर्रा के कामों में उन पर उनके खिलाफ नफरत की जाती है वो तो नहीं होती। और उसमें एक सच्चाई भी है
कई मुसलमानों को महसूस भी हो रहा है कि इस प्रकार का जो एक डर का माहौल नियमित रूप से था वो शायद कम होगा और यहाँ हम ठीक से रह सकेंगे, एक बात ये है। और दूसरी बात ये है कि जो उनको इनविजिबल दृश्य कर दिया गया है, राजनीतिक प्रक्रिया, वो वापस होगा क्या, इसके बारे में बहुत शंका है, क्योंकि जो सेकुलर पार्टियां भी हैं वो भी डरती हैं मुसलमानों को टिकट देने के लिए, और इसी के कारण उनकी संख्या भी कम हो रही है। तो ये सब चीज़ों को मिला जुला कर जहाँ तक हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य है, उसमें एक चीज़ तो परमानेंट रहेगी, वो है मुसलमानों के खिलाफ। हो सकता है थोड़ी राहत मिले, रोज जो होने वाले हिंसा के खिलाफ थोड़ी राहत मिले, और जो जिन लोगों को अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्यूटी, दोज वो एंजॉयड इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी कि भाई हम अपराध भी करेंगे तो क्या है, सरकार हमारी है, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो शायद थोड़ा कम हो जाए। तो रोजमर्रा के जो अत्याचार होते हैं, रोजमर्रा की जो हिंसा होती है, वो शायद कम हो, पर जो एक गहरे धरातल पर इनके खिलाफ नफरत है वो तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि पिछले 10 सालों में RSS की शाखाएं दुगनी से ज्यादा हो गई हैं, तो वो तो अपना काम कर ही रही हैं, उन पर तो कोई बंधन है नहीं, कोई रोक टोक उन पर करने वाला है नहीं। तो ये दो प्रकार की प्रक्रिया मिलती है, पर फिर भी खैर इसका पूरा पूरा उपयोग करके जो धर्म निरपेक्षता में मानते हैं, लोकतंत्र में मानते हैं, उन्हें एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करने की जरूरत है जिससे समाज में फैलाई गई ये नफरत इसका मुकाबला करके नफरत के बदले एक मोहब्बत का वातावरण, प्यार और सद्भावना का वातावरण समाज में खड़ा करना, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजनीतिक पार्टियाँ और सोशल ग्रुप इस बात को पहचाने, राजनीतिक सत्ता एक बात है और समाज में इतनी भयंकर सत्ता होना ये एक प्रकार से वो चीज़ है जो कभी भी हिंसा को बढ़ावा दे सकती है। तो बाकी चीज़ों को देखने के साथ इस नफरत का मुकाबला करने के लिए सब लोगों को सामने आना चाहिए, और उसके लिए जो सही समझ है मुसलमानों के इतिहास के बारे में, राजाओं के इतिहास के बारे में, आज के मुसलमानों की गरीबी के बारे में, और दुनिया में तेल के कुओं के कारण हुए आतंकवाद के कारण जिसको मुसलमानों के कारण कहा जाता है वो भी गलत है, ये सब चीज़ों का प्रचार प्रसार समाज में एक तेजी से एक आंदोलन के रूप में हो सके होना चाहिए, ताकि हम देश में सद्भावना के वातावरण को मजबूत कर सकें। तो इस चुनाव के नतीजे बिल्कुल हुआ भी है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, अच्छे जो हैं उनको हम मजबूत करें और बुरे जो हैं उसका हम सामना करें। आपका बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब।